हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आई एम सूर्यवांशी राजपूत। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लॉग एपीजीपी अप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ लिया था, और अब इस क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज ग्राफ्स। देखिए बेटा, फिजिक्स के अंदर ग्राफ्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि जो भी ग्राफ्स के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जितनी भी ग्राफ्स मैं आपको बताऊं उसके ऊपर बहुत अच्छे से फोकस करूँ। चलिए गाइस, शुरू करते हैं ग्राफ्स के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले नॉर्मली अपन ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, पहले ध्यान से देखते हैं। देखना प्यारे बच्चों, अगर सिंपल अगर मैं बात करता हूं, सिंपल मान लो एक सिंपल एक सवाल है आपसे, बोलू सर एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू टू, इसका अगर आपको ग्राफ बनाना है, इजी पीजी प्रॉब्लम है ना, तो कैसे बनाते थे आप? अगर आपको याद हो तो वाई इज इक्वल्स टू टू माइनस एक्स, तो आप एक कॉलम बनाते थे सिंपली। टेंथ क्लास में आपने सीखा भी होगा प्यारे बच्चों। All right, everyone. All right, sir. दो तीन वैल्यूज रख देते थे और हर एक वैल्यू पे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लेते थे, हर एक एक्स पे करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। मान लो जीरो वन माइनस वन, तो पता चलता सर एक्स की वैल्यू अगर जीरो रखते तो वाई की वैल्यू हो जाती टू, और सर अगर वाई की वैल्यू, मान लो एक वाई की वैल्यू भी रख लेते जीरो, और आसान हो जाएगा। इरेजर, मान लो अगर y की वैल्यू जीरो रखते तो सही है कि नहीं, x की वैल्यू कितनी हो जाती बेटा मुझे बताओ? y इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू टू हो जाता, और एक अगर x की वैल्यू वन रखे होते तो y की वैल्यू कितनी हो जाती? वन। उसके बाद आप क्या करते, आप एक x एक्सिस बनाते, एक y एक्सिस बनाते। देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। बिल्कुल सर, डेफिनेटली यही करते बेटा। यस सर, यही करते सर हम। अच्छा, मतलब अगर x की वैल्यू जीरो है और y की वैल्यू टू है, ये x एक्सिस है ये y है, सही है कि नहीं? तो x की वैल्यू जीरो, यही जीरो कॉमा जीरो, x की वैल्यू जीरो पे y की वैल्यू टू, मान लेते टू यहां कहीं है, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सही। x की वैल्यू वन पे y की वैल्यू वन, तो y की वैल्यू मान लेते हैं वन यहां कहीं, ठीक है, और y की वैल्यू जीरो पे x की वैल्यू टू यहां कहीं। देखो ये तीन पॉइंट आपको मिल गए, आप तीनों पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देते, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ द लाइन और दिस विल बी द ग्राफ। डेफिनेटली सर, जहां पे ये कोऑर्डिनेट कितना होता बेटा, ये कोऑर्डिनेट होता 0, 2, ये कोऑर्डिनेट होता 1, 1, और ये लास्ट वाला कोऑर्डिनेट कितना होता बेटा 2, 0। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर। तो एक तो ये तरीका होता है सॉल्व करने का, पर इस पे कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम फ्रेम होते हैं, मैं वो प्रॉब्लम आपको फ्रेम कर रहा हूँ। एक्सपोनेंशियल के जो ग्राफ्स होते हैं वो इन्हीं तरीके से निकाले जाते हैं। ये तो इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, तो आई वुड रिकमेंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए मैं अभी आपको अलग से पढ़ाऊंगा, वहां से आप डायरेक्टली प्लॉट कर सकते हो। बट जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स होते हैं उनको आपको कैसे प्लॉट करना है, लेट अस ट्राई टू फिगर इट आउट। ऑलराइट एवरीवन, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम क्वेश्चन, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, ध्यान सुनना, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई बताओ y इज इक्वल्स टू e की पावर x का ग्राफ क्या होगा, ठीक है, पहले इसका टॉपिक का नाम ही लिख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। किसकी बात कर लेते हैं अपन, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की बात कर लेते हैं। ये फिजिक्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों। सबसे पहला y is equals to e to the power x. All right everyone, all right sir. तो आपको करना क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के अंदर आपको कैसे डील करना है मैं आपको बताता हूं। आपको x की तीन वैल्यूज रखनी है। स्टेप वन, पुट थ्री वैल्यूज ऑफ x, पुट थ्री वैल्यूज ऑफ x, कौन कौन सी रखनी है बेटा? माइनस इंफिनिटी रख के देखो एक बार जीरो रख के देखो, और एक बार इंफिनिटी रख के देखो, करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही। स्टेप टू, नोट डाउन द वैल्यूज, नोट डाउन द वैल्यूज। चलिए आइए नोट डाउन करते हैं वैल्यूज क्या क्या होगी। सबसे पहले y एट x इज इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी विल गिव यू e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, ठीक है, e की पावर माइनस इंफिनिटी। तैयार हो किसी भी नंबर की पावर, यहां पे एक नोट डाल के लिखवा देता हूं मैं, देखो ध्यान से नोट क्या है, एनी नंबर टू द पावर इंफिनिटी
turns out to the infinity. Any number to the power minus infinity turns out to be zero. मतलब turns out to be zero के मतलब है tending to zero है. क्या है guys ये tending to zero. Obvious reasons. And n to the power zero is equals to one. All right everyone, ये तीन चीजें आप याद रखोगे क्योंकि देखिए जीरो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ही पुट करके आपको निकालना है. तो किसी नंबर की पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे ऑब्वियसली एन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन वन होनी चाहिए. करेक्ट है कि नहीं है? ऑब्वियसली एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन वन. ये नोट याद रखिए आप ध्यान से. सोचिए टू की पावर इन्फिनिटी क्या होगा? इन्फिनिटी तो होगा. टू की पावर माइनस इन्फिनिटी होगा वन अपॉन टू की पावर इन्फिनिटी. टू की पावर इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? इन्फिनिटी को. तो वन अपॉन इन्फिनिटी किसको टेंड करेगा? जीरो को. लास्ट बट नॉट द लीस्ट एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन. ठीक है बेटा चलिए तो देखते हैं. नोट डाउन करते हैं अपन वैल्यूज. तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी विल टेंड टू जीरो. ना ये टेंडिंग का साइन है ना. दिस मीन्स टेंड्स टू. एब्सोल्यूट जीरो नहीं है बट इट विल टेंड टू जीरो. है ना? ऑल राइट ही सर. दूसरा पुट y में x की वैल्यू क्या पुट करने को बोला? दूसरी जीरो पुट करने को बोला है. We'll give you e to the power 0. This is absolute 1. And last but not the least, put x is equals to minus infinity. This will give you what beta? E to the power minus infinity. This will tend to 0. बच्चे कहाँ tend होगा प्यारे बच्चे? 0 की तरफ tend होगा. देख तीनों values तूने पता कर ली है. अब देख मैं यहाँ पे point लिख रहा हूँ. ध्यान से देखना. अब मैं एक table बना रहा हूँ. ये है x. ये है y. क्या क्या पुट किया आपने? माइनस इन्फिनिटी, जीरो एंड इन्फिनिटी. y की वैल्यूज क्या क्या मिली प्यारे बच्चों आपको? एक तो वैल्यू मिली आपको क्या? जीरो, वन और जीरो. सॉरी e के पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस. दो बार मैंने माइनस इन्फिनिटी पुट कर लिया. चलो कोई नहीं, एक बार मैं प्लस इन्फिनिटी पुट कर देता हूँ लास्ट में. ठीक है तो ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा. ऑल राइट एवरी वन. सॉरी ठीक है. तो जीरो वन और इन्फिनिटी. जीरो वन एंड इन्फिनिटी. दीज आर द वैल्यूज विच हैज कम ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एज माइनस वन. सॉरी माइनस इन्फिनिटी, जीरो एंड इन्फिनिटी. नाउ स्टेप थ्री क्या है? प्लॉट द कर्व. स्टेप थ्री प्लॉट द कर्व. By keeping tends to in mind, tends to का मतलब क्या है? Tends to का मतलब क्या है? Tends to का मतलब है ग्राफ उसको रीच कर रहा है. ग्राफ रीच कर रहा है मतलब क्या है? ग्राफ जहां पे tend to लिखा हुआ है उसके पैरेलल. तो tends to का मतलब क्या है? टेंस टू का मतलब है जहां ग्राफ रीच कर रहा है वहां पे एब्सोल्युटली नहीं जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा? पैरेलल चला जाएगा. तो जिस भी वैल्यू पे टेंड कर रहा है वहां पे वो ग्राफ उस वैल्यू के पैरेलल जाएगा. मैं लिख देता हूं पॉइंट, अभी समझाऊंगा तभी आपको क्लियर हो जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट मेरे बच्चों. देखो चीतो टेंस टू का मतलब क्या है? ग्राफ इज पैरेलल टू द वैल्यू. पैरेलल ग्राफ इज grazing or graph is parallel to the coordinate या फिर वैल्यू लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टू द कोऑर्डिनेट. आइए देखने की कोशिश करते हैं कैसे मैं प्लॉट कर रहा हूं. देखना ध्यान से बेटा. अब जरा सोचो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी क्या है? ये x है, अगर ये अगर y है तो x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी कहां होगी? यहां कहीं होगी कि नहीं? यहां कहीं होगी माइनस इन्फिनिटी. एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे वाई जीरो को टेंड कर रहा है. जीरो को टेंड कर रहा है. वाई इक्वल टू जीरो क्या है? ये लाइन है कि नहीं है? बिल्कुल है सर, वाई इक्वल टू जीरो. बिल्कुल बिल्कुल. टेंड करने का मतलब है यहां पर टच नहीं कर देना है, इसके पैरेलल रखना है. पैरेलल रखना है, एक लाइन ये बना दी. उसके बाद एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई इक्वल टू वन है, एब्सोल्यूट वैल्यू. उसके बाद एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी पे वाई इक्वल टू इन्फिनिटी. देख ये ऐसा कुछ ग्राफ जाएगा. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट बेटा? और ये वाला जो पॉइंट है जहां पर ये हो रहा है ये क्या है बेटा? 0.1. क्लियर है कि? यहां पे देख रहे होंगे आप ले, ये दोनों लाइन पैरेलल है. दोनों लाइन क्या है बेटा? पैरेलल. दिस इज पैरेलल. ऑलराइट, इस चीज का ध्यान रखना है. चलिए कुछ और देखते, कुछ और क्वेश्चन करेंगे, अभी और क्लियर होगा. डोंट वरी, आइए चलते हैं आगे की तरफ.
Now moving on to one more important thing, that is, एक्सेसिस की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन. फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सेस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू जीरो. ये वाई एक्सेस है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल्स टू जीरो. ठीक है बच्चों? यस सर. उसके बाद अगर ये a कॉमा जीरो से पास होता है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल्स टू a, और ये अगर माइनस a कॉमा जीरो से पास होता है तो इस लाइन की इक्वेशन होती है x इक्वल टू माइनस a. सिमिलरली ये अगर b जीरो कॉमा b से पास होता है तो ये होता है y इज इक्वल्स टू b, और अगर ये जीरो कॉमा माइनस b से पास होता है तो इस इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू माइनस b. Did you guys get it or not? ये बात आपको पता होनी चाहिए. Obvious ही बात है, यहाँ पे सारी जगह x की वैल्यू a है, यहाँ पे सारी जगह x की वैल्यू माइनस a है, यहाँ पे सारी जगह y की वैल्यू b है, माइनस b है, और यहाँ पे सारी जगह y की वैल्यू प्लस b है. All right everyone, on that basis I have wrote the values of these excesses given. चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आए. Let's try to figure it out this problem. Y is equals to e to the power minus x का ग्राफ आपको प्लॉट करना है. मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा बेटा, मैं डायरेक्टली लिखूंगा. क्या सबसे पहले x की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो y क्या मिलने वाला है बेटा? e टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी, विच इज नथिंग बट e टू द पावर इन्फिनिटी, विच विल टेंड टू द वैल्यू इन्फिनिटी. ऑल राइट एवरी वन, टेंड टू द वैल्यू इन्फिनिटी. ऑल राइट सर. उसके बाद x इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो जाए तो y इज इक्वल्स टू फॉर ऑब्वियस रीजंस वन हो जाएगा, e की पावर जीरो, और x की वैल्यू अगर प्लस इनफिनिटी हो जाए तो y हो जाएगा e टू द पावर माइनस इनफिनिटी एंड विल टेंड टू जीरो. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? माइनस इनफिनिटी टेंड टू जीरो. अगर इसका ग्राफ प्लॉट करने जाए अपन, ग्राफ प्लॉट करना देखें बेटा अपन, देखो आ जाओ देखते हैं. ये रहा ग्राफ, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस. पहले तो सारे पॉइंट देखो कहां कहां लाई करेंगे. x माइनस इनफिनिटी इधर होगा और y इनफिनिटी इधर होगा, यहां कहीं से स्टार्ट हो जाएगा ग्राफ. x इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू वन, यहां कहीं आ जाएगा, और x इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू जीरो. y इक्वल टू जीरो, ये लाइन पैरेलल है यहां पे. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? और ये किसका ग्राफ है? e टू द पावर माइनस x का. आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी के बेसिस पे. वन मोर प्रॉब्लम बेटा, चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं. y इज इक्वल टू वन माइनस e टू द पावर माइनस x. All right everyone, all right sir. आइए देखिए कैसे प्लॉट करेंगे इसको. वापस से वही कहानी, एक राजा और एक रानी. सबसे पहले x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू वन माइनस e की पावर प्लस इनफिनिटी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ. देखो ध्यान से, वन माइनस e की पावर इनफिनिटी, करेक्ट है, तो ये हो जाएगा वन माइनस इनफिनिटी विच विल टेंड टू माइनस इनफिनिटी. एक में से इन्फिनिटी घटेगा तो क्या आएगा बेटा बताओ? माइनस इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर. दूसरा, x की वैल्यू अब जीरो पुट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू वन माइनस e टू द पावर जीरो एंड दैट विल गिव यू एब्सोल्यूट वन. सिमिलरली x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी टेंड करती है तो y इज इक्वल्स टू वन माइनस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी विच विल गिव यू वन माइनस जीरो एंड दिस विल टेंड टू वन. ऑल राइट एवरी वन, देख लो ध्यान से, e की पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो होता है, दैट इज वाई आई हैव सॉल्व इट. तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं मैं, ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूं बेटा. कैसा दिखेगा ग्राफ? x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी पे, y भी माइनस इन्फिनिटी है, सोचो यहां कहीं होगा कि नहीं होगा. x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, y की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, दोनों माइनस इन्फिनिटी है, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं. x की वैल्यू जीरो पे, y की वैल्यू वन, देखना ध्यान से, x की वैल्यू जीरो पे, y की वैल्यू वन, यहां कहीं होगी, परफेक्ट. उसके बाद x की वैल्यू इन्फिनिटी पे, y की वैल्यू वन को टेंड करेगी, x इक्वल टू जीरो, अरे यार सॉरी सॉरी, x इक्वल टू जीरो पे इट विल बिकम जीरो. सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी, x इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वन माइनस वन इट विल बिकम जीरो. ऑल राइट एवरी वन, तो ये हो गया. और दूसरा पॉइंट क्या होगा? जीरो कॉमा जीरो. और तीसरा, x जब इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y वन टेंड करेगा, तो y इक्वल टू वन, यहां कहीं होगा कि नहीं? y इक्वल टू वन वाली लाइन,
ठीक है, ये टेंड कर रहा है मतलब पैरेलल जाएगा, ठीक है बेटा, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। देखो कैसा दिखेगा बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है 1 - e to the power -x। आई होप यू गाइस गेट इट। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। आइए एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू e to the power x - 2। आइए सारी वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पुट करते हैं, दिस विल गिव यू y इज इक्वल्स टू e to the power -infinity -2। x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी पुट किया, e to the power -infinity, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, e to the power -infinity 0 - 2 will tends to -2। All right everyone, all right sir, again x is equals to 0 put karte hain to y is equals to e to the power 0 - 2, that is 1 - 2, aur ye absolute value hai, that is why it will not be tending, it the answer will be 1 - 2 is -1। Similarly x ki value agar infinity ko tend hoti hai to y is equals to e to the power infinity - 2, it will definitely tends to infinity, क्योंकि इन्फिनिटी में से दो जाएगा तो इन्फिनिटी ही बचेगा बेटे। हाँ या ना, बिल्कुल सही सर। एंड इफ आई टॉक अबाउट, ओ ओ ओ, ये नाइस कैच बॉय, इफ आई टॉक अबाउट दिस, किसकी बात करूँ बेटा, ग्राफ की बात करूँ, ध्यान से देखना छोटे, एक्स माइनस इन्फिनिटी था तो वाई की वैल्यू -2 थी, माइनस इन्फिनिटी वाई की वैल्यू -2 थी, तो -2 यहाँ कहीं होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर, आपने ऐसे डॉट 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 लाइन क्यों बनाई, क्योंकि मुझे पता बेटा ये टेंड हो रहा है, तो -2 पे मुझे पैरेलल बनाना पड़ेगा ग्राफ को, क्योंकि टेंड हो रहा है, एब्सोल्यूट होता तो मैं सीधे काट देता वहां से। चलो x = 0 पे कितना आया, y की वैल्यू -1 आई, देखो जरा ध्यान से, ये रहा x = 0, y = -1, एंड देन x टेंड्स टू इंफिनिटी पे y इंफिनिटी, ये तो ऊपर जाता जाएगा, तो दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, करेक्ट है कि नहीं है, एंड दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज व्हाट 0, -1, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट बेटा -2 है ना, ये -∞, -2। ऑल राइट एवरीवन, सो दैट इज हाउ यू विल प्लॉट एक्चुअल क्या एक्सपोनेंशियल कर्व्स। नाउ आई वुड रिकमेंड एवरीवन एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन, आइए देखते हैं, अगर कोई आपसे ग्राफ का एक सवाल पूछ लेता, लास्ट क्वेश्चन, एक v इज इक्वल्स टू v नॉट 1 - e to the power -t/rc। ऑल राइट एवरीवन, v इक्वल टू v नॉट e to the power -t/rc, ये आप आगे चल के ग्राफ देखोगे जब चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की बात करोगे, इसको प्लॉट करिए v वर्सेस t, है ना, प्लॉट vt को, फिर v इज द पोटेंशियल, v इज द पोटेंशियल, आइए करते कोशिश करते। सबसे पहला काम ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहला काम क्या करूंगा बच्चों में, सबसे पहले t विल गो टू व्हाट, -∞, इफ t विल गो टू -∞, v विल बी v नॉट इनटू 1 - e to the power -∞, ओके, तो v इज इक्वल्स टू v नॉट e to the power -∞, हो गया, परफेक्ट है, तो कैसा दिखेगा बताओ, ये 1 - e to the power infinity हो गया है, तो एक में से इन्फिनिटी जाएगा तो इन्फिनिटी ही आएगा कि नहीं आएगा, तो इट विल टेंड टू इन्फिनिटी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल सर। दूसरा t इक्वल टू 0 पुट करके देख, तो v इज इक्वल्स टू v नॉट 1 - e to the power 0, 1 - 1 क्या होता है, 0, तो एब्सोल्यूट 0 t इक्वल टू 0 पे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पुट t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे बेटा ये कितना हो जाएगा, v इक्वल टू v नॉट 1 - e to the power -∞ हो जाता है 0, चमका कि नहीं चमका, बस खटाक से उठा के अपने को क्या करना है छोटे, बस ग्राफी तो बनाना है, t माइनस इन्फिनिटी था तो v की वैल्यू कितनी थी बेटा, इन्फिनिटी थी, करेक्ट है कि नहीं है, और उसके बाद 0, और उसके बाद क्या हो गया बेटा, v की वैल्यू v नॉट, हाँ या ना, देखो ध्यान से, सो बनाते हैं, p कितना हो जाएगा, 1 - infinity, माइनस, ये माइनस यहाँ नहीं है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, तो t की वैल्यू अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये भी क्या है, माइनस इन्फिनिटी है, उसके बाद t इक्वल टू 0 है, है ना, तो ये भी क्या है, 0 है, उसके बाद v इक्वल टू क्या है, v नॉट,
तो ये वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ये कुछ यहाँ से उठ के इधर की तरफ जाएगा। एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आपको सिर्फ टी इक्वल टू जीरो से प्लॉट करना है ग्राफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही है। सो दिस इज हाउ यू विल प्लॉट एक्सपोनेंशियल कर्व। मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, एक्स के तीन वैल्यूज रखनी है बच्चे, माइनस इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी, उसके बेसिस पे आपको वाई को चेकआउट करना है। चलिए आइए चलते हैं किसकी तरफ बेटा, स्ट्रेट लाइन की तरफ। किसकी बात करते हैं अब अपन? स्ट्रेट लाइन की। किसकी बात करते हैं अपन? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे टू पॉइंट फॉर्म की। किसकी बात करेंगे बच्चों? टू पॉइंट फॉर्म, मतलब आपको दो पॉइंट अगर दे रखे हों एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू, अगर आपको दो पॉइंट दे रखे हों एक्स वन कॉमा वाई वन एंड एक्स टू कॉमा वाई टू, और इन दोनों लाइन को जोड़ने वाली, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या है अगर ये पता करना हो, तो दैट वुड बी गिवन बाय इक्वेशन ऑफ ए लाइन। Line will be given by y is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x plus c. Correct है कि नहीं है बेटा? Y is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x plus c. So remaining याद रखना, ये तो equation of straight line है, और उसके बाद आता है to get c. Put any coordinate in above equation, मतलब समझना कैसे, आइए देखते हैं। सिंपल एक छोटा सा सवाल करते हैं सबसे पहले। अगर आपके पास दो पॉइंट है माइनस वन कॉमा थ्री and 2 comma 4 and you need to find out the equation of straight line, find the equation of straight line joining them, easy peasy। kaisa hai beta ekdam sawal, easy peasy, aaiye dekhte hain क्या करोगे बेटा। आपको फॉर्मूला पता है y is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x plus c। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, मैं लिखूंगा y is equal to y2 minus y1 4 minus 3 upon x2 minus x1 2 minus of minus 1 into x plus c। So we'll give you y is equal to 4 minus 3 1 upon 3 into x plus c। ये तो पहला स्टेप हो गया है। दूसरा क्या था? To get C, put any coordinate in above equation. मैं पहला coordinate put कर रहा हूँ, तो y की जगह क्या put करूँगा देखना ध्यान से, 3 put करूँगा, और x की जगह क्या put करूँगा प्यारे बच्चों, minus 1. तो देखिए यहाँ put करूँगा 3 is equals to 1 by 3. And what is the value of x? That is minus 1 plus C. This will give you C as 3 plus 1 by 3. तो C वैल्यू जो हो जाएगी दैट टर्न्स आउट टू बी 10 बाय 3। ऑलराइट एवरीवन? ऑलराइट सर, इफ द वैल्यू ऑफ सी इज 10 बाय 3, कुड आई पुट दिस अगेन इन द ओरिजिनल इक्वेशन टू गेट वाई इज इक्वल्स टू एक्स बाय 3 प्लस द वैल्यू ऑफ सी एज 10 बाय 3। दिस विल इवेंचुअली गिव यू 3y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 10। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वी आर टॉकिंग अबाउट। All right, everyone, let me remind you, there is a two-point form. There is a two-point form which is given by x1, y1, x2, y2. Clear hai ki nahi hai? Clear hai, sir. Aayye, dekhte hain aage ki taraf. Ek aur format dekhte hain, ek aur question ka. Agar kisi ne aapko do point diye hain, एक ये मान लो ये 4.0 दिया हो और ये 0.3 दिया हो, और आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी इक्वेशन क्या है, फाइंड
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑलराइट एवरीवन, क्वेश्चन आप सबको क्लियर है प्यारे बच्चों? यस सर, डेफिनेटली क्लियर है। आइए देखते हैं। सो इफ दिस इज द प्रॉब्लम, कुड आई राइट y will be given by y2 minus y1, 0 minus 3. आप किसी को भी y1 y2 मान सकते हो, किसी को भी x1 x2 मान सकते हो, there is a no problem. 0 minus 3 upon x2 minus x1, that is 4 minus 0 into x plus c. y will be given as minus 3 by 4 into x plus c. This is the first step we are talking about. Now, there is a second step we need to follow, and that is given by what chote? Sir, ye to ho gaya. Ab x ki value, sir, koi bhi ek coordinate utha ke put kar do. Main ye wala coordinate utha ke isme put kar raha hu. Y ki value kya hai? 0 is equals to. Y ki value kya hai beta? 0 is equals to minus 3 by 4 into x ki value kya hai bachche? 4 plus c. मैटर क्या हो चुका है? क्लोज। यहां से c की वैल्यू कितनी आई है? 3. c is 3. The equation of a straight line will be given by minus 3x by 4 plus 3. Sorry, not c. Plus 3. All righty right everyone. All righty right, sir ji. So this is how you will find the equation of a straight line, or you must remember the two-point form, that how a two-point form to be solved. Acha, distance between two points, I have already told you in the first class, in the coordinate class, but ek bar fir bhi yaad rakhenge. Agar do point hai, x1, y1 और x2, y2, तो इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है d, होता है अंडर रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर अपॉन प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे तरफ देखते हैं, बात करते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। याद रहे, दिस इज वाई एक्सेस, दिस इज एक्स एक्सेस, एंड दिस इज सम स्ट्रेट लाइन, देन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। एंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज y is equals to mx plus c. ध्यान दीजिएगा, where m is called slope of the line, where m is called the slope of the line. And c is called intercept on y axis. All right everyone, all right, थोड़ा slope के बारे में चर्चा कर लेते हैं। m is nothing but tan of theta. M is nothing but tan of theta, where theta is anti-clockwise angle from positive x-axis. ये तो already मैंने आपको बताया था theta कैसे लेते हैं, है ना? Where theta is called anti-clockwise angle from positive x-axis. That means what? If theta is more than 90, tan theta is negative, so is the slope. Correct hai ki nahi hai? So is the slope. And if theta is less than 90, tan theta will be positive, so will be the slope. All right everyone, all right. Basic si cheez hai. Matlab, this is the angle theta, and tan of this theta is the slope of the line. And this is the intercept on y-axis. This is intercept on y-axis.
ऑल राइट प्यारे बच्चों, ऑल राइट सर, देखना मैं ध्यान से देखना बोर्ड पे, मैं कैसे डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन को गेस कर लूंगा विद दिस कंसेप्ट. लेट मी रिकॉल यू वंस अगेन, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वेयर m इज द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन बाय tan ऑफ थीटा वेयर थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस एंड c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस. y एक्सिस में लाइन जहां काट रही होगी वो क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कहलाएगी. अब ध्यान से सुनना, मैं चार लाइन बनाता हूं, देखना ध्यान से. अच्छा, इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, थीटा मोर देन 90 कब होगा, जब लाइन ऐसी होगी, दिख रहा होगा, और थीटा लेस देन 90 कब होगा, जब लाइन ऐसी होगी. तो ऐसे याद रखो, जितनी ऐसी लाइंस होती हैं, यस और नो, ये नेगेटिव स्लोप की होती हैं, और जितनी ऐसी लाइंस होती हैं ये कैसी होती हैं, पॉजिटिव स्लोप की होती हैं. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? और फॉर ऑब्वियस रीजंस यहां पे थीटा मोर देन 90 है एंड यहां पे थीटा लेस देन 90 है. All right, everyone, all right. तो ध्यान सुनना, चार लाइन बना रहा हूं, एक लाइन ये, एक लाइन ये, सॉरी इरेजर, इसलिए एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ये. देयर आर फोर लाइंस, ठीक है कि नहीं है, चार कलर की चार लाइन है. अब ध्यान से देखना, इसको डायरेक्टली देख के मैं गेस कर सकता हूं, क्या ये गेस कर सकता हूं, ये वाली जो सर लाइन है ये ऐसी है तो इसका सर स्लोप जो है वो नेगेटिव है. साथ ही साथ में इसको सेम कलर से लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे, कंफ्यूजन ना हो. इस लाइन में, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि ऐसी है, ऐसी लाइन का नेगेटिव होता है स्लोप. हाँ या ना? बिल्कुल सही सर. और इसका इंटरसेप्ट सर पॉजिटिव है, y एक्सिस को देखो ऊपर जाके काट रहा है y एक्सिस को, तो इंटरसेप्ट जो है इसका वो पॉजिटिव है पहली लाइन. क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही. अब जरा वाइल्ड गेस करिए, वाइल्ड गेस क्या, गेस ही करिए, इस लाइन के साथ क्या कहानी चल रही है बेटा, इस लाइन के साथ कहानी ये चल रही है दैट इसका स्लोप पॉजिटिव है, क्योंकि लाइन देखो ऐसी है, पर इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है. इसका इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है. आगे चलते हैं, येल्लो वाली लाइन की बात करते हैं, इसमें बताइए क्या होगा. हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, मन में बिल्कुल सही बोला, मैंने सुन लिया आपके मन की बात, ठीक है. स्लोप इसका कैसा है बेटा, पॉजिटिव है, और इंटरसेप्ट भी इसका कैसा है, पॉजिटिव है. शाबाश बेटा, आगे चलते हैं. एंड इसकी अगर बात करोगे, देखो इंटरसेप्ट इसका नेगेटिव है और स्लोप भी इसका क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप इज ऑल्सो नेगेटिव, इंटरसेप्ट इज ऑल्सो नेगेटिव. डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? तो आप डायरेक्टली किसी भी लाइन को आप प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? आइए प्लॉट करके देखते हैं. अगर मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा होगा ग्राफ का, y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 2 को प्लॉट करना हो, तो खटाक से स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट कैसा है, नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ध्यान से सुनना. पॉजिटिव स्लोप, इंटरसेप्ट तो नेगेटिव है, मतलब सी की वैल्यू क्या है, रुक जाओ इरेजर, वैल्यूज लिख लो, सबको कंपेयर करके लिखोगे तो एम की वैल्यू 4 लिखोगे, सी की वैल्यू माइनस 2 लिखोगे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, माइनस 2 पे जाना है, मतलब यहां पे ये पॉइंट तो कंफर्म हो गया. अब यहां से या तो लाइन ऐसी हो सकती है या तो लाइन ऐसी हो सकती है, लेकिन स्लोप पॉजिटिव है तो कंफर्म लाइन को ऐसा होना पड़ेगा. क्या आपको समझ में आया मैंने कैसे प्लॉट किया प्यारे बच्चों ये सवाल? सबसे पहले C को देखा, C नेगेटिव था तो नीचे बनाया, उसके बाद लाइन मैंने ऐसा बना दिया. अच्छा अब ये दो पॉइंट बताने हैं आपको, बन गई आपको पॉइंट, पॉइंट तो पता ही चल जाएगा. ये वाला पॉइंट तो क्या है, सी वाला ही है, ये क्या है, दिस इज 0, -2. ये वाला पॉइंट क्या होगा बताओ खटाक से, कुछ नहीं, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे क्या है, सॉरी वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, वाई की वैल्यू जैसे यहाँ 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, तो दिस इज 1/2, 0. इस पॉइंट को निकालने के लिए क्या किया मैंने बताओ, ये कौन सी इक्वेशन है, ये x एक्सिस है या नहीं है, x एक्सिस में y इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा 4x - 2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/4, दैट इज 1/2. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट सर. अब देखिए धड़ल्ले से सवाल होंगे, कैसे होंगे, एकदम धड़ल्ले से, कैसे सॉल्व करना ध्यान से देखिएगा.
यहाँ पे क्या किया अपन ने, सारी सारी चीजें देखी अपन ने ना, कैसे कैसे स्लोप नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है। एक क्वेश्चन करते हैं अपन ताकि और आपको क्लैरिटी आए। माइनस वाई इक्वल टू टू प्लस थ्री एक्स, क्या करोगे सबसे पहले, सबसे पहले वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट बनाना है। तो वाई इक्वल टू माइनस टू माइनस थ्री एक्स, दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल सर दिख रहा है। सर स्लोप की वैल्यू यहाँ पे माइनस थ्री है और सी की वैल्यू माइनस टू है, तो सर सबसे पहले तो सी प्लॉट करेंगे, सर नेगेटिव है तो कंफर्म या तो लाइन ऐसी होगी या तो लाइन ऐसी होगी, पर क्योंकि सर स्लोप नेगेटिव है लाइन को ऐसा होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सर ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो क्या है, ये तो पता ही है जीरो कॉमा माइनस टू है। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्यारे बच्चों? सर यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो पुट कर दोगे आप तो थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाय थ्री कॉमा जीरो। ऑल राइट एवरी वन, सो दैट इज हाउ यू विल एक्चुअली प्लॉट अ स्ट्रेट लाइन। लेट मी क्लियर यू द स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कैसे होते हैं और कैसे आपको प्लॉट करना है, एक बार मैं वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आता है बेटा टू पॉइंट फॉर्म, अगर दो पॉइंट दे रखा है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, तो अगर आपको इक्वेशन निकालनी है तो आप लिख सकते हो वाई इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स प्लस सी। डिड यू गाइज गेट इट और नॉट? या फिर आप बोल सकते थे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर एम इज कॉल्ड टेन थीटा। और टेन थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? स्लोप होता है। अगर थीटा मोर देन 90 होगा तो स्लोप नेगेटिव होगा और थीटा लेस देन 90 होगा तो पॉजिटिव होगा। चलो अगर मैं आपसे पूछता इसी क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछता क्या कि फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन, इसका स्लोप कितना होगा बताइए। सबसे पहली बात तो स्लोप होगा नेगेटिव। स्लोप कितना होगा बेटा? नेगेटिव। और टेन ऑफ थीटा ये होगा स्लोप, टेन थीटा, ये वाला टेन थीटा करेक्ट है कि नहीं है? और ये कितना होगा बताओ? ये है तीन और ये है चार, करेक्ट है कि नहीं है? बिल्कुल सही है सर। तो माइनस ऑफ तीन बटे चार विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो, यहीं पे मैं आपको लिखवा भी देता हूं, m इज इक्वल्स टू टेन थीटा लिखा था, या फिर आप लिख सकते थे m इज इक्वल्स टू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। अगर दो कोऑर्डिनेट अगर आपको मालूम है तो y2 टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, देखो यही है माइनस थ्री बाई फोर इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और यू कुड से टैन ऑफ थीटा। ऑल राइट एवरी वन, ऑल राइटी राइट सर, किसी को कोई दिक्कत दुविधा परेशानी? नो सर। चलिए तो क्वेश्चन करके देखते हैं फिजिक्स के अंदर उसका कोई छोटा सा एप्लीकेशन। v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, तो आपको क्या करना है बेटा? इसका ग्राफ प्लॉट करना है, v वर्सेस t ग्राफ। ठीक है, आइए देखते हैं, कट से प्लॉट करते हैं। बिल्कुल सर करते हैं। स्लोप जो है इसके बराबर है a के बराबर है और यह है u, मतलब u पॉजिटिव है। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, मतलब इंटरसेप्ट m की वैल्यू क्या है? a है, और इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा? u है। This is positive. Perfect है कि या तो लाइन ऐसी जाएगी या तो लाइन ऐसी जाएगी। बिल्कुल सही सर। तो सर एक बात बताइए, इसका स्लोप तो पॉजिटिव है तो लाइन को तो ऐसे ही जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा बताओ बे? Yes sir. So this will be the equation of a straight line having tan theta is equals to. Did you guys get it or not? बिल्कुल सही सर। Any problem guys? No sir. चले बच्चों, तो ये अपन ने देख लिया स्ट्रेट लाइन के बारे में। अब अगला जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसमें अपन सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन पैराबोला की। कौन बोला छोटे? पैराबोला। ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर। चलिए आइए देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी इक्वेशन की, किसकी बात करता हूं? इसकी इक्वेशन की। इसकी इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होती है इसकी इक्वेशन बेटा? y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे क्या कि a से b से और c की वैल्यू से पैराबोला पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है मेरे बच्चों? बिल्कुल सही सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि ये ग्राफ x एक्सिस पे कहां कट करेगा। ठीक है कि नहीं? टू फाइंड द पॉइंट
द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस. कुड आई से, अगर आपको क्या करना बोला बेटा, देखना ध्यान से सुनना पहले बच्चों, अगर आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पे, देन यू नीड टू पुट वाई इज इक्वल्स टू जीरो. समझा चीते जी साहेब? क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल्स टू जीरो होती है प्यारे बच्चों. तो उठा के पुट करेंगे तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्या कहते हैं इसको बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं. आपने उन्हें पढ़ा भी होगा, एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं बेटा. जिसके अंदर इसके रूट्स अगर अल्फा प्लस बीटा है, अगर इसके रूट्स क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी बाय ए, एंड अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है सी बाय ए. दिस इज कॉल्ड सम ऑफ रूट्स एंड दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ रूट. फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चीज आपको मालूम होना चाहिए. आगे की तरफ चलते हैं. इसके अंदर अपन एक डिस्क्रिमिनेंट डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. दिस इज कॉल्ड बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ऑन द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट. ऑन द वैल्यू ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली अपन बता सकते हैं कि इसके रूट्स जो है वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं. तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों. ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, डी इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या मैं कह दूं, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ डी है ना, वी कैन आइडेंटिफाई whether their roots are real or imaginary, or imaginary. All right everyone, all righty right sir. समझ में आया पते बच्चों? Yes sir, definitely हमें समझ में आया. आइए देखते हैं. सबसे पहले case one, if d is equals to zero, अगर d क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है, मतलब b स्क्वायर इक्वल टू 4ac अगर है तो रूट्स आर रिपीटेड. रूट्स कैसे हैं प्यारे बच्चों? रूट्स आर रिपीटेड. चमका कि नहीं चमका? बिल्कुल सही सर. मतलब इस केस में अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हो जाएगा. जो रूट माने हुए हैं अल्फा और बीटा, ये रिपीटेड रूट हो जाएंगे. दूसरा, रूट्स रिपीटेड होंगे और ऑब्वियसली रियल रूट्स होंगे. कैसे रूट्स होंगे? ये रियल रूट्स होंगे. एंड इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट प्रॉपर अलग रूट्स होंगे. क्लियर है कि नहीं है बेटा? चलो अगला लास्ट आता है बेटा केस थ्री. एंड इफ डी इज लेस देन जीरो, उसको कहेंगे रूट्स आर इमेजिनरी. रूट्स आर इमेजिनरी. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट बेटा? बिल्कुल सही है. अब ध्यान से सुनना, इनके रूट्स कैसे दिए जाते हैं. अल्फा कॉमा बीटा इज गिवन बाय माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए विल बी द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. समझ में आया कि नहीं आया? दोबारा बता रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो जो होता है, उसके रूट क्या होते हैं बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी प्लस एक रूट देगा माइनस अगला रूट देगा. डिड यू गाइस गेट इट और नॉट? और उसी के बेसिस पे मैंने बोला है, जरा सोचो अगर ये जीरो हो जाए डिस्क्रिमिनेंट तो अल्फा और बीटा रिपीटेड रूट दे देंगे कि नहीं, माइनस बी बाई टू ए. सिमिलरली अगर ये लेस देन जीरो हो जाए तो देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा और इसके रूट्स जो हो जाएंगे वो इमेजिनरी हो जाएंगे. सिमिलरली अगर ये मोर देन जीरो हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट तो इट विल बी अ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट. ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइट ही राइट सर. यहां तक सबको क्लियर है प्यारे बच्चों? बिल्कुल सही है. चलिए इसके बेसिस पे अपन एक और चीज देख सकते हैं. इफ डी इज इक्वल्स टू जीरो,
अगर d की वैल्यू क्या है बेटा, एग्जैक्टली जीरो के बराबर है, तो एक ही रूट आया, एक ही रूट आया मतलब ग्राफ विल एक्चुअली टच एट अ सिंगल पॉइंट। सोचो ना आप क्या निकाल रहे हो बेसिकली, देखो ध्यान से, रूट माइनस बी बाई टू, जैसे डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रिपीटेड रूट हो गया। रिपीटेड रूट होने का मतलब क्या है, मतलब सर वाई इक्वल टू आपने जीरो पुट किया, मतलब एक्स एक्सिस को किसी एक ही पॉइंट पर टच करेगा कि नहीं टच करेगा? बिल्कुल सही सर। तो क्या मैं बोल दू अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा अगर है तो ग्राफ विल टच एक्स एक्सिस एट अल्फा, yes or no, or you could say x is equals to alpha. Did you guys get it or not? Yes sir. Again, if d is more than 0, that is roots are alpha comma beta, then graph will touch, graph will touch kya ho jayega beta, x axis at two points, एट टू पॉइंट्स, कहां कहां, एक्स इज इक्वल्स टू अल्फा एंड एक्स टू इज इक्वल्स टू बीटा। ऑल राइट एवरी वन? ऑल राइट सर। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, बट इफ डी इज लेस देन जीरो, कॉम्प्लेक्स है मतलब द ग्राफ विल नॉट टच द एक्स एक्सिस एट ऑल। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? ग्राफ will not touch x axis at all। यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई? भैया d की वैल्यू जीरो है तो एक पॉइंट पे टच करेगा, d की वैल्यू पॉजिटिव है तो दो पॉइंट पे कट करेगा, और अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो बिल्कुल भी कट नहीं करेगा। ये तो किसकी बात हो गई बेटा, हमने देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सीख लिया, साथ ही साथ में हमने ग्राफ के बारे में भी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। आगे की बात करते हैं। नाउ पुट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो टू गेट वाई इंटरसेप्ट, टू गेट वाई इंटरसेप्ट। क्लियर है कि नहीं है? ऑब्वियसली एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू सी के बराबर आ जाएगी। तो सी क्या बता रहा है? सी इज बेसिकली इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, की वाई एक्सिस को कहां कट करेगा। ऑल राइट एवरीवन? ऑल राइटी राइट सर, है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब इफ ए इज पॉजिटिव, इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो, ग्राफ विल ओपन, फिर पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स पैराबोला कौन बोला पैराबोला विल ओपन अपवर्ड्स। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? यस सर। एंड इफ ए इज लेस देन जीरो, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स, पैराबोला विल ओपन डाउनवर्ड्स। ऑल राइटी राइट प्यारे बच्चों? यस सर, वी आर ऑल राइटी राइट। आइए देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन और देखते हैं कि भाई कैसे किसका ग्राफ बनने वाला है। तो मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, पैराबोला के अंदर हमने क्या देखा बेटा, डिस्क्रिमिनेंट निकालने की कोशिश करी पहले, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वी हैड एक्चुअली आइडेंटिफाइड कि एक्स एक्सिस पे वो जो पैराबोला है वो कहां कहां कट करने वाला है। इफ इट इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू जीरो देन इट विल जस्ट टच द एक्स एक्सिस एट दैट पॉइंट, एंड इफ इट हैज टू रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट रूट देन इट विल डेफिनेटली कट द एक्स एक्सिस एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, एंड इफ डी इज लेस देन जीरो इट विल नॉट कट द एक्स एक्सिस एट ऑल। And on the basis of A, we can also classify that if A is positive, the parabola will open upwards, and if A is negative, parabola will open downwards. While C in y is equal to ax square plus bx plus c actually identifies that intercept on y axis. All right, everyone. All right, sir. Chal chote chite, aage ki taraf badhte bhai. Kya baat? Kya baat? Kya baat? Aaiye, shuru karte hain ek sawal ke saath, ek behtareen se prashn ke saath. Agar koi aap se pooch le. एक्स, अरे यार क्या है, एक्स वाई इज इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री, यस और या नो, माइनस थ्री लिख देते हैं। ऑलराइट एवरीवन? ऑलराइट, प्लॉट
चलिए आइए प्लॉट करते हैं. सबसे पहले डी देखते हैं. डी क्या होगा? बी स्क्वायर, दैट इज माइनस टू का होल स्क्वायर, माइनस फोर इंटू ए इंटू सी इज माइनस थ्री, विच इज मोर देन जीरो, विच इज मोर देन जीरो. दिख रहा है आप लोगों को? ऑब्वियसली ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड द रूट विल बी गिवन बाय एक्स वन कॉमा एक्स टू या फिर अल्फा कॉमा बीटा वुड बी गिवन बाय माइनस बी, दैट इज टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी. ये कितना हो जाएगा? चार प्लस चार चौक सोलह, सोलह तिया अड़तालीस अंडर रूट ऑफ बावन अपॉन टू इंटू फोर दैट इज एट. हाँ या ना बेटा? यस सर. तो अपने को एक्स वन और एक्स टू की दो वैल्यूज मिल चुकी हैं, साथ ही साथ में मुझे भी मालूम है कि ए की वैल्यू चार से ज्यादा है और इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस माइनस थ्री के बराबर है. तीनों इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली बेटा. ए नहीं, ए की वैल्यू किसके बराबर है? चार, विच इज ग्रेटर देन जीरो. तीनों इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर ली है. ऑलराइट, ऑलराइट सर. तो इसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे देखिए मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं. आई होप यू कुड फिगर इट आउट. एंड दैट वुड बी गिवन बाय, सी दैट वुड बी गिवन बाय, सबसे पहले तो दो अलग अलग रूट है ना, एक 2 प्लस रूट 52 होगा, एक 2 माइनस रूट 52 होगा. रूट 52 किसके आराम किसके आसपास जाएगा बताओ? 749 7 पॉइंट समथिंग के आसपास जाएगा, है ना. तो दो में से कुछ घटेगा तो नेगेटिव आएगा, मतलब एक को यहां कहीं कट करेगा, करेक्ट है कि नहीं है बेटा? और एक को यहां कहीं कट करेगा और ग्राफ कैसा होगा? ओपनिंग अपवर्ड और सी की वैल्यू माइनस 3 होगी. तो तीन पॉइंट आपको मालूम हो चुका है. ये बना दिया आपने पैराबोला. कौन बोला? पैराबोला. सो दिस इज अ पैराबोला जहां पे सी की वैल्यू है माइनस थ्री और ये ग्राफ जहां कट कर रहा है प्यारे बच्चों वो कहां कहां कट कर रहा है जरा बता सकते हैं आप लोग? बिल्कुल सर बता सकते हैं हम लोग. वो कट कर रहा है एक 2 माइनस रूट 52 डिवाइडेड बाय 8 पे और एक कट कर रहा है 2 प्लस रूट 52 डिवाइडेड बाय 8 पे. ऑल राइट एवरी वन, समझ में आ गया कि नहीं आया? बताइए ध्यान से, ध्यान से समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सही सर. चलिए आगे तरफ चलते हैं. नाउ सेम इसी क्वेश्चन में मैं काम करता हूं, थोड़ा सा चेंज करता हूं. इसी क्वेश्चन के अंदर मैं पुट करता हूं 4x2 y इज इक्वल्स टू, सॉरी इसी क्वेश्चन के अंदर पुट क्वेश्चन एज y इज इक्वल्स टू क्या लिख देता हूं बेटा? 4x2 माइनस 2x प्लस 3. तो देखो ये तो कंफर्म बता रहा है कि d की वैल्यू जो आएगी, सबसे पहले d चेक करते हैं अपन. d वुड बी b स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 3 विच इज लेस देन 0. ऑब्वियसली a इज ग्रेटर देन 0 एंड c इज ऑब्वियसली 3. करेक्ट है कि नहीं है बेटा? बिल्कुल सही सर. तो d लेस देन 0 का मतलब है भैया ग्राफ तो a मोर देन 0 तो ऊपर से गिरेगा, c की वैल्यू 3 होगी पर ये टच नहीं करेगा कहीं भी. ऑल राइट एवरी वन, कहीं भी टच नहीं करेगा. चलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर देता हूं. जब भी ऐसा कोई केस आएगा तो जो मिनिमम वाला पॉइंट आएगा ना, मिनिमम वाला पॉइंट है ना, मतलब जो ग्राफ का ये वाला पॉइंट होगा वो मिलेगा मिनिमा विल अकर. मैक्सिमा मिनिमा आगे पढ़ाऊंगा मैं, पर अभी देख लो आप, याद कर लो. मिनिमा विल अकर एट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई टू. कहां अकर होगा बेटा? ये माइनस बी बाई टू है. मतलब अगर ये कोई आपसे कोऑर्डिनेट पूछा होता तो ये कहां अकर हुआ होता बेटा? माइनस बी दैट इज 2 अपॉन 8 मतलब 1 अपॉन 4 पे. करेक्ट है कि नहीं? ये सी है. सी की वैल्यू कितनी है गाइस? सी इज इक्वल्स टू 3. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइटी राइट सर. तो इसी के साथ आप सीख चुके हैं आज की क्लास में क्या क्या. सर हमने स्ट्रेट लाइन सीख लिया, सर हमने पैराबोला सीख लिया और सर साथ ही में कोई भी रैंडम एक्सपोनेंशियल कर्व भी बनाना हमने सीखा. ऑल राइट एवरीवन, ऑल राइट. चलिए नेक्स्ट क्लास में थोड़ी और बातें करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कर्व्स देखेंगे, स्केलिंग शिफ्टिंग देखेंगे क्या होता है, सर्कल हाइपरबोला के कर्व्स के बारे में बातें करेंगे और कुछ और टॉपिक भी पढ़ने वाले हैं. राइट, चलिए तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में. आज की क्लास में यहीं तक. सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास. थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग.